Hey guys, what is up? Welcome back to my YouTube channel. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आज हमारा सेकंड व्लॉग है बेसिकली इन लैपलैंड. मैं वही सेम हालत में हूँ जहाँ पे मैंने लास्ट व्लॉग में छोड़ा था. इट्स बिकॉज हम अभी जस्ट रूम में एंटर किए हैं और आपको मैं अपना रूम दिखाती हूँ. अवेश का रूम तो पीछे था, हम अभी जस्ट उसको छोड़कर आए हैं उसके रूम में. सुदर्शन मेरी हेल्प कर रहा है शूट करने के लिए मेरा रूम. सो लेट्स गो. ये है मेरा रूम. घुसते साथ ही है यहाँ पे एक स्टडी टेबल बेड एंड दिस क्यूट पोलार बेयर अगेन. ये मैं सुदर्शन को देने वाली हूँ क्योंकि लास्ट टाइम उसको नहीं मिला था. एंड वी हैव ग्लास रूफ सो इन केस ऑरोरास दिखेंगे अगर तो हमें डायरेक्ट दिखेंगे. ऐसे सोते सोते ऊपर कर दूंगी तो मुझे दिखेगा. होपिंग फॉर द बेस्ट. अंदर आते ही यहाँ पे टीवी है जिसको मैं टर्न करके देख सकती हूँ. सोफाज, एक्स्ट्रा बेड्स और व्हाटएवर. इन्होंने फ्रूट भी रखा है. वाइन तो पीते नहीं हैं हम. और वाओ, अ वेरी लग्जूरियस बाथरूम विद पोलार बेयर वॉचिंग मी. बहुत बहुत ब्यूटीफुल है. मैंने ब्लैक भी पहना तो फुल ब्लेंड हो रही हूँ मैं इसके अंदर. वाओ, लव इट. अभी सामान रख कर शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं एंड उसके बाद हंटिंग पे निकलेंगे. हंटिंग फॉर नदन लाइट्स. टाइमिंग पता नहीं, मोस्टली हम लोग लेटर इन द इवनिंग और नाइट जाने वाले हैं. तो यस, बाजू में एक मॉल है तो अभी उसको थोड़े कपड़े चाहिए फॉर टुमारो बिकॉज उसने ज़्यादा कपड़े नहीं लाया है. हाय गाइस, व्हाट्स अप. तो अभी अभी हमें कॉल आया कि हमें अभी निकलना पड़ेगा फॉर द ऑरोरा हंटिंग एंड उसके लिए हम लोग निकल गए. रास्ते में हमें थोड़ी सी चीज़ें लेनी है तो हम वो लेने जा रहे हैं. मैंने पहना है ये जैकेट. बेसिकली इट्स नॉट सो प्रिटी प्रिटी बट इट कैन प्रोटेक्ट मी फ्रॉम आई थिंक अप टू -10 or 20 degrees. एंड ये भाई साहब ने तो दुबई से शॉपिंग करके आए थे. लिया है खाली. नहीं बट अच्छा है, सेफ सेफ लिया. मुझे तो कोई ऑप्शन नहीं मिला था और दो दिन ही बचे थे तो मैंने ये स्की पैंट्स है जो डीकैथलॉन से. शूज भी डीकैथलॉन के हैं एंड जैकेट भी डीकैथलॉन का बिकॉज और कोई जगह नहीं पता थी मुझे मेरे घर के नज़दीक जहाँ पे मैं ऐसे कपड़े ले सकूँ. मुझे भी पता नहीं था एक्चुअली. बहुत सारा मैं गया नॉर्मल कपड़े लेने, ये दिख गया वो भी लेडीज सेक्शन से और खाली आया. यस गाइस, सो हमारा मेन एम आज ये, मेरा तो ये अच्छा दिखना नहीं दिखना से ज़्यादा है देखना. एंड यहाँ पे तो अरे बर्फ बहुत कड़क है, यहाँ पे फिसल जाएंगे हम. हाँ वैसे तो बाल बाल यहाँ पे टिक नहीं रहे बिकॉज हल्की हल्की सी अब स्नोफॉल हो रही है और बस यही प्रे है कि क्लाउड्स हट जाए नहीं तो हम लोग को आउटफिट रिपीट करना पड़ेगा फिर से अगर निकले तो हंट पर. क्यों मतलब ऐसा कुछ अगर बना नहीं पाया कुछ वीडियो. हाँ एक्चुअली कर सकते हो डे लाइट में बनाना नहीं कोई गाइस. और मैं हमेशा की तरह ग्लव्स नहीं पहनी. पता नहीं ग्लव्स से मेरा क्या दुश्मनी है. मैंने ये वाली ग्लव्स लाई हूँ बट मैं उससे फ़ोन वोन नहीं यूज़ कर पाऊँगी ना फंक्शन कर पाऊँगी. यहाँ के लिए ठीक है, नॉट सो कोल्ड अभी है ना. अभी हम जहाँ पे जाएगी तो -20 ऐसा सब रहेगा तब दिक्कत हो जाएगी. उसके लिए मैंने थैली में मेरा सब सामान लाया है बिकॉज मेरे पास कोई ऐसी बैग नहीं थी. मेरा स्पोर्ट्स टाइप बैग नहीं थी. मैंने ये बाय द वे, हाँ मैंने ये आप देख सकते हो क्या बोलते हैं इसको, फैनी पैक. फैनी पैक, हाँ फैनी पैक, बम बैग बोलते हैं ऐसे. वो पहना है बिकॉज उसमें मेरा सब चीज़ें सेफ रहेगी. कार्ड्स, फ़ोन, वेट गाड़ी आ रही है. चलो चलो, कार्ड्स फ़ोन सब कुछ रख सकते हैं. बाकी
ये जो भी मैंने एक दो लेयर ऑफ जैकेट्स लाया है, थोड़े चिप्स के पैकेट लिए हैं, ग्लव्स हैं और कान का प्रोटेक्टर है, वो सब है। मैं अभी ऐसे एक बीनी खरीद लूँगी फिर मैंने इस पर मैच हो जाए थोड़ी, क्योंकि मेरे बाल तो बहुत ख़राब हो चुके हैं सुबह से, एंड आई कांट स्टाइल इट अगेन एंड अगेन बिकॉज इवेंचुअली इट्स गोना गेट मेस्ड अप बिकॉज ऑफ दिस वेदर। सो बीनी एंड दिस विल प्रोटेक्ट मी। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आज हंट पर, कैसा होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं आज क्या होने वाला है। सो गाइस फाइनली वी आर लीविंग फॉर द टूर एंड आई एम हियर एट द वंडर लैपलैंड एक्सपीरियंसेस। सो हाय मिकी, मिकी राइट? यस। सो ही इज गोना टेक अस टू सी द लाइट्स। I'm gonna cry. उन्होंने हमें बोट्स दिया है, बोला कि ये पहनो सो दैट यू नो कभी एक लेयर ऑफ स्नो होता है तो उसके लिए कूल। लेट्स गो। ऐसे नहीं लगा कोई पिक्चर चालू होती है एडवेंचर वाली। हाँ हाँ हाँ। जिसमें दो टीम मिलती है और जाते हैं और अच्छा इंटरेस्टिंग सा होता है। इंटरेस्टिंग होने वाला है आज। सो अभी हम लोग फाइनली निकल गए हैं एक कार में एंड वी गोना हंट द लाइट्स। सो ही नोज द बेस्ट स्पॉट्स वेयर यू नो मुझे अभी फीलिंग आ रही है कि अभी आज दिखेगा ही दिखेगा 100%। इंशाल्लाह जो भी है देखते हैं नसीब में जो रहेगा। आई एम हैप्पी एंड लेट्स सी, एक्साइटमेंट बहुत है। मतलब ये जो जो तरवीर है, जो एक जर्नी है वो मज़ेदार है। तो अब देखे नहीं देखे वो तो ऊपर वाले का। सो लेट्स गो। सो आई नो गाइज दैट मैं वर्टिकल शूट कर रही हूँ बट फॉर यू गाइज अभी हमारा कैमरा वर्टिकल सेटअप है एंड फ़ोन में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था तो मैं अभी गाइज अभी वीडियो चालू किया ना थोड़ा फॉग आ गया इस तरफ बट कोई नहीं हम लोग 2 मिनट रुकेंगे और आपको मैं 2 मिनट में अच्छा व्यू दिखाती हूँ। मस्त आ रहा है। वाओ वाओ सो ब्यूटीफुल गाइस, से नहीं दिखाई देगा तुम लोगों को बट ये इधर आके ही फील करना पड़ेगा तुमको। तो थोड़ा सा ऐसा टॉर्च मारो ना साइड में, टॉर्च ही मारती हूं। पीछे दिख रहा है तुम्हारे। हां सुदर्शन की टर्न है एंड वाओ गाइस कैन यू गाइस सी इट, इसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। आई एम ट्राइंग टू शो यू गाइस
बट जो हमारी आईज को दिख रहा है और जो कैमरा में कैप्चर हो रहा है, इट्स सो सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, ये प्यारे हैं, वाओ। सो गाइस, मैं ये एंगल में व्लॉग ले रही हूँ। मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना रोने जैसा हो रहा है क्योंकि दिस प्लेस इज अनरियल, द स्टार्स, द स्काई, द नॉर्दर्न लाइट्स, ओ माय गॉड। एडिटेड नहीं है, बताओ, दोनों हाथ ऊपर करो। एडिटेड नहीं है गाइस, मैं आपको एक सीक्रेट बात बताती हूँ बाद में, बट नो सीक्रेट्स, बट अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो 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 ग्रेटफुल फॉर दिस एंड आई वॉन्ट टू थैंक अवेज सो मच बिकॉज दिस वॉज माई ड्रीम एंड हम होप सारे गिव अप कर चुके थे बट ही सेड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नाइट्स। काफ़ी टाइम के बाद ऐसे ऑरोरास दिखने मिल रहे हैं और आपको पता है हर पाँच मिनट में नहीं, हर दो मिनट में दे आर चेंजिंग शेप्स एंड दे आर लाइक चेंजिंग द पोजिशंस एंड हर जगह अलग अलग हो रहा है सब कुछ। इट्स सो 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 प्रिटी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई नो इट्स वेरी अनफेयर टू से और वेरी ऐसा है, बट पैसे जमा करके आओ एक बार यहाँ पे। अभी और थोड़ा आपको सिनेमैटिक कट्स या जो भी है हम दिखा देंगे, अभी मैं बात नहीं करूँगी, मुझे ऊपर देखना है, मेरे को नीचे नहीं देखना है, सो सॉरी, एक एक सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं तो जा रही हूँ ऊपर ऐसे ही देखने, मेरी तो होश उड़ चुकी है, और इससे पहले कि कोई स्नो लेपर्ड आके मुझे खा जाए, गाइस बाय, आप इंजॉय करो। पॉसिबल एंड अब तुमने बर्थडे गिफ्ट का लेवल इतना बढ़ा दिया है, इसका बर्थडे आ रहा है, अब इसमें रिटर्न टिकट मैं कर लेती हूँ। नो बट सच बताना, सबको सच बताना, ये ढूंढा किसने, सेटिंग, हाँ हाँ नहीं बट बताओ मैं कितनी अच्छी हूँ प्लानिंग में। प्लानिंग में तो ऑफकोर्स अच्छी है, लेकिन यहाँ पे नहीं आए होते तो प्लान कैसे की होती, बट अगर आए होते और दिखा नहीं होता तो कैसे, क्या मेरे को इतना तो गारंटी था कि मिलेगा फॉर श्योर, क्योंकि नीयत ही अच्छी थी ना। हाँ हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू, बट मैं बता रही हूँ ना, मैं इसकी स्टोरी आपको पूरी बाद में बताऊँगी घर जाके आराम से, कि हमने कैसे ढूंढा और हम कैसे पहुँचे, बोलते हैं ना वो किस्मत में लिखा होता है जो स्टोरी है इसके पीछे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, मैं तुम्हें दूंगी ट्रिप टू नाला सफारा, सदर्न लाइट्स। गाइस सिर्फ आपके लिए हमने हॉरिजॉन्टल में किया है एंड वाओ, लुक एट दिस, दिख रहा है? हाँ। किस तरफ है, इस तरफ है? तुम्हारे सिर के ऊपर, ये मेरे सिर के ऊपर, मतलब वाओ, इतना क्या ही तारीफ करूँ मैं, जितना तारीफ करूँ कम है, जो भी हो रहा है इतना ही बताना है दैट ऐसा लगता है कि हम बहुत छोटी चीज़ है यार, ये सब नेचर जो ऊपर वाले ने बनाया सबके सामने, बट ऐसा लगता है कितने खुश नसीब हम ये सब देख भी पा रहे हैं, बट बस मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं, बट मैं बस चाहती हूँ आप लोग भी देखो एटलीस्ट अभी, बाद में खुद आके देख लेना इंशाल्लाह, आप सबको मिलेगा मौका, टेंशन मत लो, आई होप आप सब घूम सको ऐसे ही, एंड आई नो नॉर्दर्न लाइट्स देखना कितने लोगों की बकेट लिस्ट होती है, और हम यहाँ पे हैं, इट्स अ सरियल फीलिंग एंड आई होप एंड विश मैं अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली को भी यहाँ पे लेकर आ पाऊँ कभी, और इंशाल्लाह लेकर आओगी जल्दी, उनको भी दिखाओ ये सब, बट अमेजिंग वाओ। गाइस अवेज बोला यहाँ पे किसी के पैरों के निशान है, वहाँ पे भी है, तो कह रहा है कि वहाँ पे कुछ तो
कुछ तो हो सकता है लाइक पोलार बेयर लॉल्स स्पार्कली स्पार्कली वीडियो वीडियो कर के देख दिख रहा है ये देख रहे हो ये कौन पे हां तीन 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 वाला कोई तो वाइल्ड एनिमल गया है पूरा बॉय है तुम्हें जाना है आगे चेक करना नहीं थैंक यू और ये आएगा अगर तो मुझे ही ले जाएगा क्योंकि इधर भी है वहां पे भी देखा मैंने उस साइड पे भी देखा मैंने सो फाइनली हमारे फोटोज वीडियोस लेकर हो गया है उससे ज्यादा देर तो हम सब खड़े रह के निहार रहे थे स्काई को बहुत ही अच्छा लग रहा था ठंड थोड़ी बढ़ते जा रही है तो अभी हम थोड़ा टाइम लैप्स लेकर निकलने वाले हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग और आपको मैं मिलती हूँ घर जाके थोड़ा सा बात करेंगे आराम से बैठ के मुझे सुसु आई है अगर आपको नदन लाइट्स के फोटोज़ देखने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाओ और नहीं दिखाएगा तो सुदर्शन ये वीडियो में डाल देगा ये वीडियो में डाल दूंगा अभी इसके बाद 3, 2, 1 गो अभी स्मोक मशीन डाल जा तुम पे रुक जाओ थ्री डांस करो 3, 2, 1 गाइस लोग बास छोड़ रहे हो मजाक कर रही हूँ थैंक यू द नेक्स्ट डे गाइस आज हमारा सेकेंड लास्ट डे है कल हमारा लास्ट डे है इन फिनलैंड एंड कल के बारे में बताना चाहती हूँ इतना मज़ा आया और हम लोग रात में घर आने को होटल पहुंचने को 2 बज गए थे रात के लाइक बहुत लंबा रास्ता भी थोड़ा ऐसा अनसेफ होता है ना तो बहुत संभल के चलाना पड़ता है तो आई डोंट नो हाउ मिकी वाज ड्राइविंग वो बेचारा इतना थका हुआ था बट स्टिल 2-3 घंटा स्ट्रेच में चलाना यू नो स्ट्रेट रोड जब हम चलाते हैं ना तब अगर आप गाड़ी चलाते हो आपको पता होगा कि तब थोड़ा जोन आउट होते हैं नींद आ जाती है जब ट्रैफिक या ऐसे ऐसे रास्ते होते हैं देन यू नो यू आर काइंड ऑफ बिजी मेंटली बट व्हेन द रोड्स आर वेरी स्ट्रेट इट्स वेरी डिफिकल्ट तो मैं यही बताना चाहती थी कि जिस दिन से हम आए थे यहाँ पे हर किसी ने हमें कहा था कि नदन लाइट्स बहुत मुश्किल है ये 2-3 दिनों में दिखना एंड वी न्यू दैट 5th को हम निकल रहे हैं तो वी आर सो अपसेट दैट इतना सब इतना खर्चा करके इतना दूर आए हैं एंड नदन लाइट्स नहीं देखने मिलेगा सो मतलब बहुत बुरा होगा एंड वी वर स्टिल होपिंग कि दिख जाए एंड चांसेस वर देयर बट इट वॉज लाइक क्लाउडी बहुत था ना तो लोग हमेशा ऐसे ही बोलते हैं ना कि नेचर पे डिपेंड होता है कि क्लाउड्स आते हैं कभी क्लाउड्स जाते हैं कुछ भी होता है कभी कोई चीज़ का भरोसा नहीं है आज भी क्लाउडी है अगर आप देख सकते हो तो स्काई तो बहुत 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 अपसेट थी मैंने बहुत दुआ की थी कि प्लीज़ हमें नदर लाइट्स दिख जाए एंड जब मैंने होप छोड़ दिया था मैं वॉशरूम में बैठ के अपने इंस्टाग्राम पे ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तभी मुझे मिकी का फोटो पॉप अप हुआ मे बी बिकॉज वी आर इन दिस लोकेशन दैट्स व्हाई हिज फोटो वाज शोन टू मी बेसिकली ऑन द एक्सप्लोर पेज तो मैंने उसको फट से डीएम किया मैं बोला प्लीज हमें नदन लाइट्स देखनी है इफ यू वॉन्ट लेट अस नो द कॉस्ट एंड जो भी अगर इफ यू वॉन्ट टू कोलैबोरेट लेट अस नो अबाउट दैट एज वेल एंड ही सेड दैट ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन कोलैबोरेटिंग एंड एक ही दिन में प्लान बन गया इज लाइक नेक्स्ट डे वी विल गो टुमारो देयर आर लॉट ऑफ गुड चांसेस ऑफ गेटिंग टू सी द लाइट्स एंड वी आर लाइक व्हाट एक दिन एकदम से मतलब होता है जज्बात पलट गए हमारे हमने बाकी सारी चीज़ें कैंसिल कर दी और उसके साथ हमने प्लान कर दिया और वो प्लान सक्सेसफुल रहा जैसा आप देख सकते हैं तो कहते हैं ना कि अगर आप दुआ करोगे तो सब चीज़ हो जाती है तो वो पावर है दुआ में ट्रस्ट में मैंने इतनी दुआ की थी और घर आके मैंने शुक्राना नमाज भी पढ़ी मम्मी
पर मुझे ये देखना ही था एंड वाओ इट वाज वेरी 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 ब्यूटीफुल. इट्स एन एक्सपीरियंस दैट आई विल नेवर फॉरगेट. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मिकी टोल्ड अस दैट अक्टूबर से लेके अब तक उसने इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट्स नहीं देखी थी. एंड ही सेड दैट वी आर दैट लकी 2% पीपल जिनको फर्स्ट गो में ही दिख जाती है ऑरोरास. आई डोंट नो इफ इट वाज एग्जैजरेशन और व्हाट, बट इतना लकी फील हो रहा था, इतना लकी फील हो रहा था. इट वाज लाइक लोगों को रुक कर ढूंढना पड़ता है एंड तुम लोग के लिए वो ऑलरेडी चल रहा था एंड यू रीच टू दैट प्लेस. हाय, तुम्हें को वो स्टोरी बता रही थी कि हमें कैसे मिकी मिला और कैसे हुआ सब कुछ. एंड लास्ट में मिकी हमें बता रहा था कि कल कितनी रेयर साइट थी, मतलब उसने काफी टाइम बाद इतने अच्छे ऑरोरास देखे थे. अक्टूबर में उसने लास्ट देखा था वो बोला. हाँ बोला इतना अच्छा दिखा था, उसके बाद आज दिखा है और वो भी फुल नाइट चला है, फुल नाइट चला है. तो यस्टरडे वाज अ वेरी गुड नाइट. आई होप जो भी यहाँ पे फिनलैंड में कल उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की होगी, बिकॉज अगर की होगी तो बहुत रिग्रेट होने वाला है. बहुत जगहों पर था मालूम, एक और जगह था नाम भूल गया मैं कुछ. अरे पूरे पूरे जगह पे पूरे पैच के ऊपर घूम रहा था, बहुत सारा घूम रहा था. करेक्ट. स्टोरी बताया कि नहीं, तो हर टाइम वो सपने में उठ के नॉर्थन लाइट देख रही थी. नहीं बताई, वो तो मेन चीज है मैडम. हर जगह पर होटल में सपने में उठ के खिड़की के बाहर उसको नॉर्थन लाइट दिख रही है, पता नहीं कैसे. प्लेन में शायद, प्लेन वाला बताई थी. ग्राउंड फ्लोर पे भी मैं सो रही हूँ ना, सोते सोते मुझे ना नींद में से उठ रही हूँ ना, तो खिड़की के बाहर जरा भी लाइट दिख रही है ना, तो मैं इतनी वो हो जाती ना, अरे नॉर्थन लाइट्स ऐसे वाला जगह पे. नॉर्दर्न लाइट्स, नॉर्दर्न लाइट्स. ये मेरे साथ होता नहीं है, मेरे साथ स्क्रिप्ट में बहुत बार हुआ, इतना फनी लग रहा था. इसके लिए बार बार और मैंने बोला था कि ऐसा होना चाहिए कि हम लोग उतरे और ऐसी लाइट्स होनी चाहिए जो हुई नहीं थी, मतलब ऐसी लाइट्स और वो हुई. मतलब नॉट ये वाला, ऐसा वाला था कि जो काफी टाइम बहुत महीनों से हुई नहीं थी. बेस्ट बात ये की जब गाड़ी में बैठे थे हम लोग, तो कैसा गाड़ी में बैठ के ऐसा हुआ था की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है. और फिर अचानक से देख, मैं देखो बोला मेरा मुझे 70-80% ऐसा लग रहा है कि 110% बहुत अच्छा, मतलब 80% दिखना ही दिखना है आज. और उसने उसके बाद ही सीधा वो ऐप निकाल के क्या बोला आज कांग्रेचुलेशंस, टुडे इज अ वेरी गुड डे बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ गुड एक्टिविटी हैपनिंग. उन लोग एक्टिविटी वर्ड यूज करते हैं, बोल रहे बहुत एक्टिविटी दिख रही है, इट्स हैपनिंग इन द स्काई, सो यू आर वेरी लकी. उसने जिस तरीके से हमें कोने कापचे में से यू नो गली गली में से लेकर गया, एक स्पॉट बहुत ढूंढा, मतलब अमेजिंग हैट्स ऑफ. सो इफ यू आर एवर प्लानिंग टू विजिट फिनलैंड और रोवानियमी टू बी प्रिसाइज, प्लीज 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 गेट इन टच विथ वंडर लैपलैंड मिकी. सो मैं उसके डिटेल्स कैप्शन में लिखूंगी. ही इज अ वेरी नाइस गाय. प्री प्लानिंग में ही आपको बता देगा कि आपको कब आना चाहिए कब नहीं और क्या. You know, he'll help you out a lot and और वो ऐसा भी नहीं दिखाएगा आपको कि हाँ चलो इधर से दिख गया. पहला हमको उसने एक जगह लेके गया, झाड़ से उसको दिख रहा था, फिर उसने क्या बोला मालूम, बहुत झाड़ है यहाँ मजा नहीं आ रही है, दिख रहा था प्रॉपर क्लियर दिख रहा था, फिर भी उसने बोला कि नहीं यहाँ नहीं. उसने इतनी प्यारी जगह लेके ये भी बोला कि काफी टूर्स वाले लोग है ना, आपको लिमिटेड टाइम देते हैं, 4 घंटे का टूर होगा, जाके देख के आ जाएंगे. उसने दिखा तो दिखा, नहीं दिखा तो नहीं दिखा, बट ही इज लाइक मैं ऐसे चलता हूँ कि आपको लेकर जाओगा जितना दूर जाना पड़े, 4 घंटा दूर जाना पड़े लेकर जाओगा. आई मेक श्योर कि आपका फोटोज वीडियोज सब आ जाए, आप लोग देख सको सब कुछ एंड देन आपको लेकर आओगा. नो मैटर हाउ टायर्ड आई एम, नथिंग, इज अ प्रो हंटर डेफिनेटली. सो मिकी के डिटेल्स मैं कैप्शन में लिखने वाली हूँ, कभी भी आप यहाँ जरूर उसको बुलाना, ही इज द बेस्ट लाइफ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू रवीस फॉर दिस ट्रिप, इट वॉज अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स ऑफ माई लाइफ. मतलब यहाँ पे तो बर्फ ही बर्फ है, बट जो नदन लाइट्स और ये सब जो फीलिंग है, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा आप जाओ मजे करो, जितना देख सकते देखो, एक टाइम आएगा आप सबको, सबका वक्त आएगा जाने का. मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं अभी, हम लोग भी पहले कहाँ जा पाते थे कभी कोई भी चीज के लिए रेडी नहीं हो पाते, अब इसमें हाथ फ्रीज हो रहे हैं. चलो ठीक है, मैडम का हाथ फ्रीज हो रहा है, बाय बाय. चलो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट और अवेज मेरे पेज पे जाके सारे वीडियोज फोटोज वापस जाके देखो, उस पर भी जाके कॉमेंट वॉमेंट सब भर दो, ठीक है. और ये कैसा दिख रहा है इसका आउटफिट, मस्त दिख रहा है. ओके बाय, बंद कर दो. अरे
Change.